हरे कृष्णा। आज हम व्याकरण का पाठ है भाषा पढ़ेंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। मीनू, तुम क्या कर रही हो? मेरी दीदी ने एक कविता लिखी है, उसे पढ़ रही हूँ। इस तरह दो लड़कियाँ आपस में बात कर रही हैं। मुझे भी यह कविता पढ़कर सुनाओ। तो सुनो। चंदा मामा आओ ना, दूध बतासा खाओ ना, मीठी लोरी गाओ ना, बिस्तर में सो जाओ ना। ऐसा मीनू की सहेली उसको बता रही है, जो कविता उसकी दीदी ने लिखी है। अरे वाह, तुम्हारी दीदी ने तो बहुत अच्छी कविता लिखी है, ऐसा मीनू कह रही है अपनी सहेली से। ऊपर दिए गए चित्रों में मीनू और शीनू आपस में बात कर रही हैं। शीनू ने मीनू से पूछा, मीनू तुम क्या कर रही हो? मीनू ने सुनकर जवाब दिया, मैं एक कविता पढ़ रही हूँ। फिर मीनू ने लिखी हुई कविता पढ़कर शीनू को सुनाई। इस तरह हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं। ऐसा हम भाषा के द्वारा ही करते हैं। तो क्या समझा हमने इसमें? कि हम हमारे मन में जो भाव है, हमारे मन के जो विचार हैं, उन्हें हम या तो बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों को समझाते हैं, और दूसरे उसे पढ़कर या सुनकर समझते हैं। और यह किससे हो पाता है? भाषा द्वारा हो पाता है। यही भाषा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? भाषा की परिभाषा। क्या? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम दूसरों को अपनी बात समझाते हैं या दूसरों तक दूसरों की बातें समझते हैं, ठीक है? और जो हम बोलना चाहते हैं वो भाषा के द्वारा ही हम दूसरों तक पहुँचाते हैं। अब भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, क मौखिक भाषा, ख लिखित भाषा, ठीक है? भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा, अपनी बातों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे की बात को सुनकर समझना ही मौखिक भाषा है। क्या है मौखिक भाषा? अपने बातों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को समझना मौखिक भाषा होती है। रोहन, पार्क में खेलने चलोगे? हाँ हाँ, ज़रूर चलूँगा। आज हम क्या खेलेंगे? आज हम बैडमिंटन खेलेंगे। ऐसे दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं ना, तो ये भाषा का कौन सा रूप है? यह भाषा का मौखिक रूप है। ये मौखिक भाषा के रूप है जिसमें दो दोस्त एक दूसरे की बात सुनकर समझकर जवाब दे रहे हैं। लिखित भाषा, अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे की बात को पढ़कर समझना ही लिखित भाषा है, ठीक है? लिखित भाषा क्या होती है? लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाना और दूसरों की बात को पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप होता है। रिया, देखो इस कॉपी में कितना सुंदर लिखा है। नीतू, मैं पढ़कर सुनाओ इसमें क्या लिखा है। हाँ हाँ सुनाओ। इसमें लिखा है, एक परी थी, उसके पास एक जादुई छड़ी थी, उससे वह अच्छे अच्छे काम करती थी। देखा, इसमें दो लड़कियां लिखित भाषा के रूप का प्रयोग कर रही है ना। कॉपी में सुंदर लिखा हुआ है, उसको वो पढ़ रही है, और दूसरी ने क्या कहा उसको कि जो लिखित रूप है भाषा का वो मैं तुम्हें पढ़ के सुनाऊँ क्या? यानी जो लिखा हुआ है पढ़ा, उसको पढ़कर समझ रही है वो, तो ये भाषा का लिखित रूप है। ये लिखित भाषा के रूप है जिसमें रिया लिखा हुआ पढ़कर नीतू को सुना रही है। सड़क पर चलते समय आपने देखा होगा कि चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस वाला सीटी बजाता है। वह वाहन और वाहनों को इशारे से रुकने और चलने का संकेत देता है, लेकिन वह भाषा नहीं होती। ऐसे इशारों को हम पशु पक्षियों में भी देखते हैं। क्या आपने कभी जानवरों की बोली को समझने की कोशिश की है? क्या आप उसे समझ पाते हैं? नहीं तो क्यों नहीं? क्योंकि जानवरों की बोली भाषा नहीं कहलाती, ठीक है?
क्या पढ़ा हमने इसमें कि ट्रैफिक सिग्नल पे आप सबने पुलिस वाले को देखा होगा जो इशारे से गाड़ियों को रुकने का या जाने का इशारा करता है, पर उन इशारों का मतलब भाषा नहीं है। ठीक है, अब आपने देखा है जानवर, उनकी भी कोई बोली होती है, पर उनकी बोली क्या हमें समझ में आती है? नहीं आती है ना, क्योंकि उनकी बोली क्या नहीं है, भाषा नहीं है। अन्य भाषाएं, भारत देश में 29 राज्य हैं, इसलिए यहाँ लोग हिंदी भाषा के साथ साथ अपने राज्य की भाषा का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, भारत में कितने राज्य हैं? 29 राज्य है ना, और उन सब प्रदेशों की अपनी एक प्रादेशिक भाषा भी है। पहनावा देख के देखो, ये पंजाब का पहनावा है, क्या बोली लड़की? मैं पंजाबी बोलती हूँ। केरल की लड़की है, वहाँ की ड्रेस में मैं मलयालम बोलती हूँ। इस तरह बंगाल की लड़की, मैं बंगाली बोलती हूँ। महाराष्ट्र की लड़की, मैं मराठी बोलती हूँ। इस तरह अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में वहाँ की स्थानीय या प्रादेशिक भाषा बोली जाती है। हमारे देश में बहुत से राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। पूरे राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लिपि, प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। अब लिपि क्या होती है? लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने का अपना एक ढंग होता है, और लिखने के उस तरीके को, ढंग को क्या कहते हैं? लिपि। जैसे भाषा लिपि, संस्कृत, हिंदी या मराठी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, उर्दू को फारसी लिपि में, अंग्रेजी को रोमन में, और पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। लिखना पढ़ना जो सिखलाए, आपकी भाषा वो कहलाए। ठीक है, और भाषाएं हैं यहाँ अनेक, प्यार सभी को रखता एक। नाउ स्टूडेंट, आप ये चैप्टर फिर से एक बार पढ़ो, है ना, भाषा, भाषा के रूप, लिपि, सभी आप ध्यान से पढ़ो और उसे अच्छे से समझो। थैंक यू, हरे कृष्णा।